कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे, 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था, मुख्यमंत्री के यहां सुनवाई नहीं थी, आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है, और जो एक लंबा इंतजार 14 महीने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा, विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश, कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को बुरी तरह से जनता नकारने वाली है, तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई है। और मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। देखिए, जितना मर्जी अन्याय करेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था, ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़कर जा रहे हैं।